starters, I must congratulate. It's your 10th year. मैं यहाँ आई थी 5 साल पहले जब मेरी पहली फिल्म दम लगा के हईशा रिलीज़ हुई थी एंड जागरण फिल्म फेस्टिवल में दिखाई भी गई थी और वहाँ से मेरी एसोसिएशन जागरण के साथ शुरू हुई है एंड आई फील वेरी प्राउड दैट पैन इंडिया एक इतना सक्सेसफुल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है. आप इतनी फैंटास्टिक फिल्में दिखाते हैं, आप इतने अमेजिंग कॉन्वर्जेशन करते हैं, इतना बड़ी इतने अच्छे से टैलेंट को सेलिब्रेट करते हैं. सो आई जस्ट वांट टू कंग्रेचुलेट जागरण एंड यर्स विशिंग यू वेरी मैनी मैनी ईयर्स अहेड. I think it's always good to be appreciated for your work. We all work very hard on our films. We are constantly trying to break barriers, change the language of cinema, try and evolve our talent and the films that we do with changing times. So yeah, it's good to be appreciated. And already wishing all the winners good luck and congratulations. Abhi main honestly baat karunga. मैं राजीव मस्तन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. मैंने बहुत इंटरव्यूज़ लोगों के देखे. मैंने 55 साल से इसी लाइन में हूँ बट हीज़ इंटरव्यूज़ आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट रिफ्रेशिंग. और जब उन्होंने मुझे कहा कि इस फेस्टिवल में आकर आई हैव टू बी व्हाट आई फील वेरी शाय टू से दैट लाइक एन आइकॉन आई डोंट थिंक आई डिज़र्व इट but I'm very very thankful and very grateful for this great honor. Thank you. Chahe is festival se aaye aur kahin aur se aaye, newcomers to aate hi rahenge. This is how the system works. Purana jata rehta hai, naya aata rehta hai aur naye ko platform hamesha milna chahiye. Isliye ye festival bahut important hai. It gives a good platform, good projection and things work out for youngsters who are thriving to achieve something. मैं जागरण से पुराना नाता है. मैं बनारस और इलाहाबाद गया था अनारकली और पारा के साथ में. गुड़गांव के साथ में गया था मैं अपना देहरादून. तो पुराना नाता है. बहुत सारे दोस्त हैं जो इस फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं. मेरी फिल्में भी 3-4 दिखाई गई हैं. नहीं, आने वाली फिल्म्स के बारे में नहीं बताएंगे. बस शुक्रिया इस प्यार और सम्मान के लिए. थैंक यू. थैंक यू. नहीं, मैं सिर्फ जागरण को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि एक जो रेवोल्यूशन की तरह से उन्हें फिल्म फेस्टिवल में शुरुआत की है. क्योंकि फिल्म फेस्टिवल ज़्यादातर होते हैं वो एक पर्टिकुलर सिटी तक ही बेस्ड रहते हैं. चाहे हमारा वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो, वो गोवा में होता है, या और फिल्म फेस्टिवल हैं बॉम्बे में होते हैं. लेकिन जागरण फिल्म फेस्टिवल इकलौता ऐसा फेस्टिवल है जो अलग तरह के सिनेमा को, ऐसे सिनेमा को जो शायद नॉर्मल थिएटर्स में रिलीज़ नहीं होता है. एंड जागरण टेक्स दोज काइंड ऑफ फिल्म्स to cities like Gorakhpur, cities like Ranchi, Kanpur, you know, Meerut, इस तरह के शहरों में जो लोग हैं, जो aspiring फिल्म मेकर्स हैं, aspiring एक्टर्स हैं, उनको जो एक्सपोजर वहाँ नहीं मिल पाता, वो जागरण एक बहुत बड़ा काम कर रहा है. मैं सही मायने में कहूँ तो जागरण जो है सही तरीके से सिनेमा की सेवा कर रहा है. जागरण फिल्म फेस्टिवल में मेरा ये लगातार 3रा साल है. मैं इसमें हमेशा शिरकत करता हूँ. इस साल मेरी फिल्म भी इसमें दिखाई गई है, नक्काश, और मुझे बड़ी खुशी है. और मैं इसके लिए जागरण फिल्म फेस्टिवल का शुक्रगुजार हूँ कि वो फिल्म जब रिलीज़ हुई थी तो उन शहरों में पहुँची ही नहीं थी क्योंकि बहुत लिमिटेड स्क्रीन्स पे रिलीज़ की गई थी. तो जागरण फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से वो 18 शहरों में और घूमी तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस मिली उसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा. तो मैं इस फेस्टिवल की खूबी यही मानता हूँ कि एक ट्रैवलिंग फेस्टिवल है और उन जगहों पे पहुंच रहा है जहां फिल्म फेस्टिवल का नाम भी शायद लोगों ने कभी नहीं सुना था. देखिए, जागरण फिल्म फेस्टिवल जो है वो ये ट्रैवलिंग फेस्टिवल है, अलग अलग सिटीज़ में होता है. तो मैं तो पहली बार आया हूं जागरण फिल्म फेस्टिवल में और राजीव जी और स्मिता जी जो हैं उन्होंने इन्वाइट किया था जोया जी को अवार्ड देने के लिए, तो मैं इसलिए आया. बहुत अच्छा फील हो रहा है. फर्स्ट टाइम है जागरण फिल्म फेस्टिवल में और जो JFF है काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है by Jagran Group for the great content films. जो great content films है उसको audiences तक किस तरीके से पहुँचाना है. And you know, it's the world's biggest traveling film festival. And it's there, we are celebrating 10 years of Jagran Film Festival. So yeah, it's a great initiative. नहीं, जागरण फिल्म फेस्टिवल मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये लोग अच्छी अच्छी फिल्मों को और इंडिपेंडेंट फिल्मों को अलग अलग गांव देहात स्मॉल टाउन में लेके जाते हैं
اس لیے مجھے جو ہے جاگرن فلم فیسٹیول یہ کمال کا لگتا ہے. اسی لیے جاگرن فلم فیسٹیول کا صحیح کے ساتھ میں جو میرا رشتہ ہے اس لیے بہت بہت پرانا ہے, اور اب میں ہمیشہ ان کو سہیوگ کرتا رہوں گا, کیونکہ جو اچھی فلمیں ہوتی ہیں جو ریلیز نہیں ہو پاتی ہیں یا کسی وجہ سے جو فیسٹیول کی فلمیں ہوتی ہیں ان کو یہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جا کر کے اس کے درشک کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جاگرن فلم فیسٹیول کے کارن چھوٹی فلمیں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جاتی ہیں, وہ وہاں پہ اپنے درشک کو کھوجتی ہیں, یہ ایک بہت بڑی بات ہے, کیونکہ ایسی فلمیں چھوٹی جگہوں پہ جا نہیں پاتی ہیں اور جاگرن فلم فیسٹیول کے کارن سارے دیش میں گھومتی ہیں. تو اس لیے جاگرن کو جاگرن فلم فیسٹیول کو میرا پورا سہیوگ ہے. میرا رشتہ دینک جاگرن کے ساتھ, کیونکہ جب آپ فلم بناتے ہو, جب آپ فلم پروڈیوس کر رہے ہو, جب آپ فلم ریلیز کرتے ہو, تو جاگرن گروپ اور جاگرن جو دینک جاگرن جو نیوز پیپر ہے وہ بہت ہی بڑا, بہت ہی اہم نیوز پیپر ہے نارتھ انڈیا میں. اور دینک جاگرن فیسٹیول, کیونکہ ادیتا راجیو اسین چھابرا انہوں جس طرح سے انہوں نے کیوریٹ کیا کہ اسپیشل فلمز وہ لوگ لا رہے ہیں, اور جاگرن فیسٹیول اٹ سیلف اتنا اسپیشل ہے کیونکہ وہ سارے چھوٹے چھوٹے شہر پہ تک پہنچتے ہیں, تو وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ صرف بڑے شہروں میں فیسٹیولز یوزلی چلایا جاتا ہے, اور جاگرن چھوٹے چھوٹے شہروں میں لے کے جا رہی ہے, یہ بہت ہی اسپیشل فلمس, تو ان کا بہت امپورٹنٹ ہے. I would really like to thank my director Roena for giving me this wonderful part and of Ratna, and I want to really thank my co-actor and my partner in crime Vivek Gombar, jo yaha hai nahi, but without him my performance would have not happened, and without him I wouldn't have won. So a big thank you to Jagran for giving me my first award in India, and a big congratulations to my whole team of sir, my director, my producer, my wonderful co-actors Gitanjali Kulkarni and so many others. So thank you so much, thank you. Well, it may take you really long to win something, but I think if you really love what you do, then be at it, and just be at it, and you know, love yourself, because it's hard, and I really wish you all the very best. Thank you.